Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today, this episode will be about one inquiry from one of the person from Mumbai. His name is Sandeep. And Sandeep had called me just in the morning, and he had a query about the episodes. He has been watching our episodes of Yogic Science, and he was telling me that he has watched around 7 or 8 episodes, and previously he has been to many other groups for his spiritual upliftment or spiritual inquiry, you can say. He has read many books. He has read Jkrishnamoorti, Nisargadatta Maharaj, and he has also been to Mr. Ashish Shukla for the spiritual guidance. But he was telling me that he is not being clear about his spiritual inquiry. And when he started watching our episodes, he has watched around 7 to 8 episodes. He was telling me when he watches our episodes, then in one episode, suppose he becomes very clear. Now he says his his issue is he tends to forget the whatever we have said in the previous episode, right? So from one episode to another episode, okay, he misses something. Means he is not satisfied, you can say, or he is not getting clear, very clear what we are talking in Yogic Science from this platform of YouTube. Okay, so I would like to take up this issue of Sandeep, and मैं ये पूछना चाहूँगा शर्मा जी से कि हम जिस हर एपिसोड में जिस चीज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो लोग सारे एपिसोड्स की चीज़ों को में सामंजस्य क्यों नहीं बैठा पाते हैं? क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम ये प्रॉब्लम तीन सिद्धांतों की बात जब हम करते हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या किसी और चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि वो जय कृष्णमूर्ति के पास भी उनकी किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने उनको स्टडी की है, उन्होंने विपस्सना भी किया है, और आशीष शुक्ला हैं, उनकी भी वीडियोस तो वो देखते हैं और शायद गए भी हैं, ठीक है, मगर उनको कहीं क्लैरिटी नज़र नहीं आती है। और जब वो उन्होंने यौगिक साइंस के एपिसोड्स देखने स्टार्ट किए हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई उनको, जैसी मेरी बातचीत हुई है, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि चीज़ें क्लियर तो होती हैं मगर जो पहले एपिसोड में जो मैंने सुना या समझा, ठीक है, वो सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं, वो चीज़ें मैं सब मतलब कि वो याद नहीं रहती, तो वो तारतम्य में बैठा नहीं पाते हर एपिसोड्स का। तो उसी पे हम बात करना चाह रहे हैं, और उसमें क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है, कहीं समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या क्या हो सकता है समझ। जब फोन आया था अभी मॉर्निंग में उनका, संदीप जी का, बॉम्बे से, तो उन्होंने अपनी ये जो समस्या आपने बताई है उन्होंने सामने रखी है। मगर इसमें मेरा ये कहना है कि जब हम तीन सिद्धांत की हम बात करते हैं योगिक साइंस और मॉडर्न साइंस के जरिए, तो हम ये देखते हैं ये आध्यात्मिक लाइन भी है, और आध्यात्मिक लाइन में जो हम पहले ही बता चुके हैं कि आत्मा और परमात्मा और जीवात्मा जिस तरीके से हैं, उनकी तीन स्थिति हैं। तो अगर तीन स्थिति हैं, ये तीन के अलावा और कोई स्थिति नहीं है किसी चीज़ को बनाने में, उसको स्थित करने में और उसको ख़त्म करने में, ये तीन ही एक ऐसी स्थिति हैं जो हैं। तो जो ये हैं, तो पहली बात हम संदीप जी के लिए ये समझाना चाहेंगे उनको कि जिस जगह पे इस वक्त वो इस समय पर स्थित हैं, अर्थात ब्रह्मांड के अंदर स्थित हैं। हम ये कहते हैं कि जिसे हम नेचर कहते हैं और जिसे हम अंडाकार एक स्थिति बताते हैं, तो अंडाकार स्थिति जो है वो एक ब्रह्मांड के कंप्लीट अंडाकार को हम बताते हैं, वो उसके अंदर में है। तो अंदर में नाना प्रकार के जीव हैं, उनमें वो भी एक जीव हैं, उनका भी सृजन हुआ है, स्थित हैं, विसर्जन भी होएगा, तो आप बदलना है। हम जैसे बहुत सारी चीज़ें
हमारी जो भाषा ये रहती है कि जैसे किसी ने बोला कोई मर गए या ये हो गए, हम ये गए कि मरना वरना नहीं, बदल गए। तो ये हर चीज़ें जो आपस में हर चीज़ बदलती है, चेंज होती है इतनी तेज़ी से, इसको परमात्मा की गति जो मैंने पहले बताई कि शब्द शक्ति और उसमें जो प्रकाश है, और ये तीन तीन चीज़ों की जो उसके परमात्मा के मूल पहचान है, इन पहचान के माध्यम से वो इन अंडाकार के अंदर जो ब्रह्मांड है सभी चीज़ को वो बदलता है। तो वो तीन तीन चीज़ें जो तीन स्थिति सिद्धांत हैं वो उसी जगह पे मौजूद होते हैं जहाँ एक होता है। तो तीनों एक साथ ही होते हैं, वो एक ही साथ ही, उनको समझिए कि एक साथ हैं। मगर अगर आपको लगता है कि मैं एक चीज़ को पकड़ लें, अगर थोड़ी सी चीज़ पकड़ में आ जाए कि मैं एक ब्रह्मांड के अंदर हूँ और एक जीव हूँ, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस हिसाब से अगर हम उनको, संदीप जी को, ये सभी को ये समझाना चाहेंगे कि अगर पहली बात ये है कि हम जो यथार्थ है, जो वास्तविक है, जो तीन है सिद्धांत है, वो तो हैं, मगर तीन की ये जितनी संरचना है, जितनी उन्होंने ये सृजन किया है और विसर्जन हो रही तित कर, ये सारी काल्पनिक है। तो जो काल्पनिक है, काल्पनिक में वही हैं तीनों, मगर हम कल्पना में जीते हैं, मरते हैं, उठते हैं, चलते हैं, बैठ रहे हैं। और हम एक, अगर हमको कोई गुरु जी हमको बोलने लगे और हम शिष्य हैं, और गुरु जी ये बताने लगे कि तुम भाई बहुत तेज़ी से सत्य की ओर जाओ, तो अभी सत्य मान लो कि सत्य हमारे से एक 4000 किलोमीटर दूर है, और हम सत्य से एक बड़ी दूरी पे श्रृंखला में बैठे हुए हैं, तो हमें वन बाई वन करके चीज़ें बदले, या सबको जंप करके थोड़ा वहाँ चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि हम जंप करके किसी चीज़ चलें। हम अगल बगल आस पड़ोस ऊपर नीचे की दसों दिशाओं की जो स्थिति है, हम उनको माध्यम बनाते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं, और हमको जंप करना हम उनमें है ही नहीं। मैं यहाँ पे सरपंच एक चीज़ और मैं संदीप जी से ये बोलना चाहूँगा, हाँ, कि जैसा कि उन्होंने कहा था कि बातचीत में वो उन्होंने कृष्णमूर्ति को पढ़ा हुआ है, जी जी, उनको समझने की कोशिश की है, जी। तो पहली बात तो ये कि जय कृष्णमूर्ति किसी प्रिंसिपल की बात नहीं करते हैं, ठीक है, वो प्रिंसिपल से या सिद्धांतों से या ऐसे ऐसे शब्दों से उनको एक तरीके से चिढ़ है। अच्छा, वो हाँ, वो बात नहीं करना चाहते, और वो अपने अनुभव को डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी तरीके से, जो कि हुआ नहीं, हाँ, उनके लाइफ टाइम में ये कम्युनिकेट वो नहीं कर पाए किसी को। तो संदीप जी, यदि आप समझना चाहते हैं कृष्णमूर्ति सत्य को कृष्णमूर्ति के जरिए, तो कृष्णमूर्ति का अप्रोच डायरेक्ट है, ठीक है, और उस डायरेक्ट अप्रोच को जैसे शर्मा जी बता रहे थे, हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, नहीं कर सकते। यदि डायरेक्ट अप्रोच कर सकते तो संदीप जी आपका फ़ोन नहीं आता, आप समझने की कोशिश नहीं करते इस चीज़ को, आप किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बात खत्म हो जाती, समझ लिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। कृष्णमूर्ति का अप्रोच ऐसा है, कृष्णमूर्ति कहेंगे कि कल्पना कितनी बड़ी हो, कितनी भी विशाल हो, कितना भी समय वाला हो, कल्पना कितनी मजबूत हो, उसको तोड़ा जा सकता है अपने ज्ञान से। और वो ये सोचते हैं कि बातचीत करने के दौरान ही, जैसे मेरा और आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कम्युनिकेशन के दौरान ही आप वहीं पे इस चीज़ को कल्पना की तरह देख लो और सत्य उजागर हो जाए, जैसे सत्य आग में अपने आप को मूल में स्थित पाए। कल्पना को आप जैसे बता रहे हैं ना, तो उसमें वो ये भी थोड़ा बताइए कि वो जो है ना ज़्यादा मजबूत ना हो जाए, सॉफ्ट रहेगी तो जल्दी हाँ, चेंज होगी। तो कृष्णमूर्ति को इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि आदमी किस मजबूत स्थिति में खड़ा है इस टाइम। जैसे हम लोग जीवात्मा हैं, आप हैं, हम हैं, हम लोग जीवात्मा हैं, हमारे अंदर बहुत मजबूत धारणा है कि मैं सत्येंद्र हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं ये धारणा पूरी पक्की है, मैं धरती पे रहता हूँ। ये जब मजबूत धारणा है, इतनी मजबूत हो चुकी है कि ये चीज़ें अब हमें रियल लगती हैं, ये हमारी रियलिटी बन चुकी है, ठीक है। और धारणा तो धारणा ही है, कल्पना ही है, कितनी मजबूत हो जाए, मगर इतनी मजबूत कल्पना से आप छलांग नहीं ले सकते मूल में नहीं। यदि मजबूत धारणा हो तो छलांग काफ़ी मुश्किल है, और यही दिक्कत आती है जब हम कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं या किसी ऐसे अन्य गुरु को पढ़ते हैं जो डायरेक्ट अप्रोच की बात करते हैं। डायरेक्ट कैसे हो सकता है, छलांग लगेगी नहीं इतनी मजबूत स्थिति से। तो स्थिति को पहले धीरे धीरे सॉफ्ट करना पड़ेगा, और सॉफ्ट से आप जंप लगा सकते हो अपने मूल में। मूल क्या है, मूल में
जो कि समय के पार है, समय का कोई प्रभाव नहीं है। मूल का मतलब वो स्थिति है और है, वो हमेशा प्रेजेंट में रहती है, वर्तमान में रहती है, और वहाँ पे तीन चीज़ें रहती रहती हैं। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, जैसे हम परमात्मा की बात करते हैं, उन तीन चीज़ों में जो पहली चीज़ है, ठीक है, परमात्मा कह सकते हैं आप, ठीक है, परमात्मा को हम प्योर कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग जो तत्वों को पढ़ते हैं तो उसमें ये प्योर कॉन्शियसनेस की बात आती है, प्रकृति की बात आती है ना। तो जो प्रिंसिपल है वो प्योर कॉन्शियसनेस है, जिससे कि सब भी कुछ होता है जिसके प्रेजेंस में। फिर प्योर प्रकृति है, प्रकृति का मतलब ही होता है जो कृति से पहले, रचना से जो पहले है वो प्रकृति हो गई, मतलब कि मटेरियल, ठीक है। कोई भी चीज़ बनेगी बिगड़ेगी वो मटेरियल से बनेगी, मटेरियल ही बिगड़ेगा, ठीक है, तो प्रकृति हो गया, ठीक है। और इन दोनों का के संयोग से जो चीज़ें बनी हुई हैं, पहले से बनी हुई हैं, जीवात्माएँ, थियोसॉफी में उसको मोनेड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन स्थिति का जो कॉम्बिनेशन है, ये अपने कॉम्बिनेशन में हमेशा बनी हुई है, ठीक है ना। बनी हुई का मतलब ये है कि ये नहीं कि बनाई गई है, घटती बढ़ती नहीं है, वैसी की वैसी है, अविनाशी, ठीक है, अविनाशी है, ठीक है। तो ये नहीं है कि अविनाशी से प्योर कॉन्शियसनेस, ऐसा नहीं है। प्रकृति भी अविनाशी है, जीवात्मा भी अविनाशी है, ये तीन अविनाशी तत्व संयुक्त रूप से, यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता कुछ भी, संयुक्त रूप से स्थित हैं, मौजूद हैं, ठीक है। वो हमारा मूल है, वो हमारा घर है, ठीक है। उसकी प्रत्यभिज्ञा या उसमें स्थित हो जाना, किसी भी तरीके से स्थित हो जाए, चाहे आपको प्रकृति स्थित कर दे, ठीक है, या किसी भी कोई गुरु कर दे, ठीक है, मगर यदि हम मूल की तरफ, मूल में स्थित अपने आप को पाते हैं, कल्पना ही तो खत्म करनी है, मूल में तो है ही, जानते नहीं हैं, जानते अपने आप को सिर्फ कल्पना में जानते हैं कि मैं सत्येंद्र हूँ, मैं संदीप हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं ये सारी धारणाएं मजबूत हो चुकी हैं। तो कल्पना या धारणा इसको तोड़ना भर है, इससे तो हमें है ही, हाँ वो स्थिति हमें पता नहीं है। तो मैं संदीप जी से ये कहूँगा कि इन तीन मूल सिद्धांतों को अनुभव करने की ज़रूरत है अपने अंदर ही, क्योंकि ये जो तीन मूल सिद्धांत हर जगह हैं, कण कण में हैं, यही हैं, इनके अलावा कुछ और है नहीं। और का मतलब कल्पना, सिर्फ कल्पना है, कल्पना भर को तोड़ना है, ठीक है। मगर इस मजबूत स्थिति में कल्पना इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, धीरे धीरे हमें सॉफ्ट होना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप पर कुछ काम करना पड़ेगा, और तो जाके हम मूल की तरफ जा सकते हैं और उसमें अपने आप को स्थित पा सकते हैं। इसमें एक और बात है, जैसे मैंने भी ये कहा था कि हम कल्पना में काफ़ी दूरी में पीछे हैं, अगर हमको वहाँ से कोई गुरु हमें भेजना चाहें तो हम बिना डायरेक्ट, एक तो जंप नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि वन बाई वन हम बहुत तेज़ी से उन चीज़ों को पकड़ें और छोड़ें जो अगल बगल हैं, उनको पहले पकड़ें और छोड़ें, पकड़ें जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ें, किस ओर की बढ़ें, जहाँ पे हमारे मूल तीन सिद्धांत हैं हम उसकी ओर बढ़ें या परमात्मा की ओर बढ़ें। अगर ये चीज़ को कृष्णमूर्ति जी जानते थे भली भांति, तो ये सिस्टम में मैं थोड़ा कुछ और जोड़ना चाहूँगा कि वो हमें ये देखना होगा कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वो अपने असलियत से कितनी दूर है। तो अगर बहुत दूर है तो उसे बहुत तेज़ी से हम बदल, गुरु, सक्षम गुरु क्या करता है कि अगर बहुत दूर है तो उसको बहुत तेज़ी से बदलने के लिए प्रयासरत करेगा कि तुम इसके लिए एक पुरुषार्थ जगाओ और इन चीज़ों को जल्दी जड़ नहीं होने देना, जड़ हो गया तो वहाँ रुकावट आ गई, अब आगे नहीं आप बढ़ सकते, क्योंकि सॉफ्ट रहना है, हल्के रहने जल्दी जल्दी बदलना है, क्योंकि हल्का परमात्मा है, परमात्मा कहीं भी अपने राउंड में बीच में कहीं नहीं रुकता, सिर्फ ऊपर ही रुकता जा करके, उसकी रुकने की स्थिति एक ही मात्र है, ऊपर, जो ऊपर साइड में, किसके ऊपर, वो अंडाकार ब्रह्मांड के ऊपर। तो अगर सक्षम गुरु हैं जैसे अष्टावक्र जी थे जी। तो अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं और रकाब में, वो शास्त्र ये कह रहा है कि रकाब में पैर रखते ही उनको आत्मज्ञान हुआ, इसका मतलब है कि
कि वो पीछे से बहुत तेजी से कन्वर्ट होकर के आए और सत्य के बिल्कुल पास में थे, इसलिए वो पास में थे, इसलिए उनको अष्टावक्र जी ने तत्काल चेंज होने के लिए आदेश दिया और आदेश देते उनको आत्मज्ञान हुआ। क्योंकि ये सक्षम गुरु की पहचान है कि उसने अपने शिष्य को भांप लिया है, तौल लिया है कि ये शिष्य कहाँ पे आ गया है। तो ये कभी नहीं तुलना ऐसी नहीं करनी चाहिए कि अष्टावक्र जी को तो एक आवाज में हो गया था, जनक जी को एक आवाज़ में हो गया, अष्टावक्र जी ने एक आवाज़ में कर दिया था, ये तुलना जो है ना ठीक नहीं है। और मुझे भी हमारे गुरु जी हैं एक ही आवाज़ में कर देंगे, ऐसा ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, उचित नहीं है। क्योंकि शिष्य की जो सत्य से दूरी कितनी है ये बहुत माने रखती है, तो वो कहाँ स्थिति है और दूरी ये यहाँ किसी रेंज में नहीं नापी जाती, ये हमारे मन बुद्धि चित्त अहम में दूरी है। कल्पना में कितना मजबूत है, हाँ कल्पना में मजबूत है और मन बुद्धि चित्त में शिष्य को गुरु भांपता है कि ये कितनी दूर है, कितनी दूर है मन बुद्धि चित्त में। तो मेरी बुद्धि इतनी पुरुषार्थ हो और इतनी सार्प हो, इतनी तेजी हो, मन इतना निर्मल हो और चित्त मेरा इतना क्लियर हो कि उसमें किसी और की फोटो ना हो, और हमारा हृदय इतना द्रवित हो कि उसमें सिर्फ एक दर्द के अलावा और कोई चीज ना दिखाई देती हो, ये स्थिति जिस दिन बनेगी वो दिन तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये मेरा संदेश एक संदीप जी के लिए है और ये सभी के लिए है कि आप जो लोग इस तरीके के मेरे एपिसोड देखते हैं वो इस पर इसको जरूर देखें और इस पर गहन अध्ययन करें और विचार करें। तो संदीप जी, मुझे उम्मीद है कि कुछ प्रकाश डाला होगा शर्मा जी ने, ठीक है, आपके क्वेरी पे। तो एपिसोड्स देखिए, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए, और जो तीन मूल सिद्धांत हैं हमारे, परमात्मा प्योर कॉन्शियसनेस, प्रकृति प्रीमॉर्डियल मैटर एंड और हम और आप जैसे बहुत सारी जीवात्माएं हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं कर रखी हैं और सारे जो जितने परिवर्तनशील मामला है वो प्रकृति और जीव के अंदर होता रहता है, ठीक है। और कुछ भी आपको इश्यू हो या कुछ कहीं पे कंफ्यूजन हो, ठीक है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर बता दीजिए। और फ़ोन नंबर तो मैंने दिया हुआ है, आप अपना बता दीजिए और लोगों को। हाँ, फ़ोन नंबर है जो जितने भी YouTube के चैनल्स हैं, ये एपिसोड्स हैं मतलब कि, तो उसमें सब में मेरा फ़ोन नंबर है, शर्मा जी आपका फ़ोन नंबर है, तो उसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें। और इट अप्लाइज फॉर ऑल दी यू नो पीपल, ऑल द पर्सन ओके हु वॉचेज आर एपिसोड्स ऑफ योगिक साइंस। सो वॉट एवर इज योर कन्फ्यूजन यू कैन कंटेक्ट मी इमिडिएटली आफ्टर 8 o'clock इन द नाइट। So after 8 p.m. I am available for your query. So you can ask any question and I'll try to clarify. Right? So very very thanks, okay, for watching our episodes and get some kind of clarity in yourself. Thank you.